नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। और आप इस समय नवधा भक्ति में कुछ सुंदर भक्तों की कथाएं सुन रहे हैं। हमने सातवीं भक्ति देखी और वहां पे कल एक कथा सुनी थी, आज और एक सुंदर कथा। देखिए, जीवन में ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है कि जिस मार्ग के अनुगामी वो हो, पत्नी भी उतनी ही सुंदर मिल जाए, उसी मार्ग की अनुगामी मिल जाए। यहां हम आज आपको सुनाएंगे रांका और बांका की कथा। नाम भी बड़े सुंदर हैं और उनकी कथा भी बड़ी सुंदर है। इस समय महाराष्ट्र के भक्तों की कथा चल रही है। पंढरपुर, जो वहां का बड़ा ही प्रसिद्ध वैष्णवी धर्म क्षेत्र है, वहां लक्ष्मीदत्त नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। संतों से बड़ा प्रेम किया करते थे। तो एक बार एक ऐसे संत जो संभवतः स्वयं नारायण के ही अवतार हों, उनके घर पधारे और उन्होंने जो आशीर्वाद मांगा, उस आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप उनके घर में उनकी पत्नी रूपा देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। और ये पुत्र, जिसका नाम राका रखा गया, बड़े ही भक्त हुए। जीवन में लोग अभावों से थक जाते हैं। ब्राह्मण कुल में थे, विद्वान हैं, सब कुछ है, लेकिन धन संपत्ति का कोई लालच नहीं। वो धन संपत्ति को भक्ति के मार्ग का रोड़ा मानते थे। समय आया, विवाह हुआ, पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई, नाम वाका, यानी राका और वाका, ये दोनों पति पत्नी एक ही भक्ति मार्ग के अनुयायी। कई बार ऐसा होता है कि आप भक्ति मार्ग पे चलना चाहें और पत्नी आपको ना चलने दे। लेकिन यहां तो राका जी जितने बड़े भक्त, ये उनकी धर्म पत्नी बांका उससे भी बड़ी भक्त। पति को नहीं चाहिए कुछ भी घर में, क्योंकि वो मानते हैं कि धन जो है भक्ति मार्ग में बाधक है। पत्नी कहती बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन जीवन निर्वाह तो करना पड़ेगा। और जीवन निर्वाह के लिए दोनों ने यह निर्णय किया कि जंगल में जाया करेंगे, जो लकड़ियां पड़ी मिल जाएं उनको बीन लेंगे और उनको बेचने से जो कुछ मिलेगा, बस हमारी जीवन यात्रा इसी से चलती रहेगी। बड़े सुख से, बड़ी शांति से, क्योंकि जिनके पास सब कुछ होता है उनको तो बहुत दुखी देखा गया है संसार में, क्योंकि उन्हें कभी संतोष ही नहीं होता है। और जिसके पास संतोष है, उसके पास अगर कुछ भी ना हो तो भी बड़ा सुखी रहता है। अब जितनी इनके पास गरीबी, जितनी इनकी कंगाली, उतनी ही अपने ऊपर भगवान की कृपा महसूस किया करते थे कि वाह, हमारे प्रभु कितने हमारे ऊपर दयालु हैं। एक दिन नामदेव जी को इनके ऊपर दया आ गई। नामदेव जी ने अपने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये आपके परम भक्त हैं और आप इनके दुख क्यों दूर नहीं करते। भगवान ने कहा उन्हें किसी प्रकार का दुख है ही नहीं। देखो, मैं तो अपने भक्तों का बड़ा ख्याल रखता हूं,
और मेरा जो भक्त जिसमें राजी होता है मैं उसके लिए उसी प्रकार की सारी सुविधाएं करता हूं। भैया ये भगवान का जो सिद्धांत है ना, आप विश्वास रखिएगा। जैसे मैंने इससे पहले जो कथा सुनाई थी ना, उसमें हमारे भक्त ने भगवान से खाली एक बार ये कह दिया कि ये सब कुछ तो मैंने आपकी वजह से किया, आपके लिए किया, आप जानो आपका काम जाने, मुनीम बन के गए। राका बांका को धन नहीं चाहिए इसलिए धन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको इसी में संतोष, इसी में सुख, इसी में उनकी भक्ति आनंद में चलती रहती है। नामदेव जी ने जब प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि भैया मैं हर तरीके से प्रयत्न करने के लिए तैयार हूं, अगर आपको लगता है कि उनकी जिंदगी अभावों में गुजर रही है और जहां अभाव है वहां दुख है, तो आप जो कहो जितना कहो उतना कल मैं उनको देने के लिए तैयार हूं। नामदेव जी ने कहा आप कह रहे हैं मुझे विश्वास है, आपने प्रयत्न भी किए, मैं इस बात पे भी विश्वास रखता हूं, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान ने कह दिया ठीक है, कल जब ये जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाएंगे, रास्ते में मैं सोने की मोहरें भरी हुई थैली डाल दूंगा, अब आप देख लेना। नामदेव जी बैठ गए मार्ग में, राका और बांका अपने नियम के अनुसार वन के लिए प्रस्थान करते हैं। नामदेव जी की आंखों के सामने भगवान ने सोने की मोहरों से भली हुई थैली डाली है और कुछ सोने की मोहरें उसके बाहर बिखरी पड़ी हुई हैं। राका आगे आगे चले जा रहे हैं, बांका पीछे पीछे आ रही हैं। ऐसे में वो सोने की मोहरें देख करके राका थोड़ी चिंता में पड़ जाते हैं, वो सोचते हैं इनको उठाया जाए नहीं उठाया जाए। फिर मन में कुछ विचार आया, उन्होंने फटाफट पड़ी हुई मोहरें उठाई, उस थैली में रखी और उस थैली को थोड़ा सा साइड में रख के और वहां जो धूल मिट्टी पड़ी हुई थी उसके ऊपर डालने लग गए। इतने में पीछे से बांका आ गई, अरे स्वामी क्या कर रहे हो ये? बस कुछ नहीं ऐसे ही। नहीं 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 मुझे बताओ तो सही क्या कर रहे हो? अब जहां छल कपट नहीं होता वहां छल कपट किया भी नहीं जाता है। राका ने साफ साफ कह दिया ये सोने की मोहरों की थैली पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारे मन में इन मोहरों को देख के लालच ना आ जाए, इसलिए मैं इनको रास्ते के साइड में रख के और मिट्टी से ढक रहा था। बांका जी हंसी और हंस के उनसे कहा अरे स्वामी आप भी क्या कर रहे हो, मिट्टी को कोई मिट्टी से ढकता है क्या? मतलब राका तो फिर भी उसको सोने की मोहरों के रूप में देख रहे हैं इसलिए मिट्टी से ढक रहे हैं, लेकिन हमारी बांका जो है वो तो कहती मिट्टी को कोई मिट्टी से ढकता है क्या लाभ है। इतने परम भक्त, राका को सोने की मोहरें नहीं चाहिए, बांका को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रभु ने नामदेव जी से कहा देखा आपने, मैं पहले भी इनको अभाव से दूर करने का कई बार प्रयत्न कर चुका हूं, लेकिन मैं हमेशा निष्फल जाता हूं। जीवन में याद रखिए, लक्ष्मी जी जो है ना वो भगवान की पत्नी है, और भगवान से जो प्रेम करता है लक्ष्मी जी की कृपा उसके ऊपर होती है। हां जो सिर्फ भगवान से प्रेम करता है, लक्ष्मी जी कृपा करने भी आए फिर भी जो लक्ष्मी की कृपा से दूर रहता है वही राका बांका की तरह रह सकता है। नहीं तो मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि जब जब आप प्रभु की तरफ दौड़ेंगे, जब जब आप भगवान की तरफ दौड़ेंगे, तब तब लक्ष्मी जी को डिस्टर्ब होगा।
वो अपने क्षीर सागर में अपने स्वामी के साथ अकेली एकांत में उनके पैर दबाती रहती हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करती रहती हैं। अब कोई भक्त जब भगवान को बुलाता है, कोई भक्त जब भगवान की तरफ चलता है, कोई भक्त जब भगवान की सेवा में लगता है, तो वहां भगवान को भी थोड़ा सा अपने भक्तों की चिंता होती है। तो लक्ष्मी जी सबसे पहले उनसे ये कहती हैं, भाई अगर दरवाजे पे कोई आ जाए, पति है घर में, पत्नी है घर में, तो पहले दरवाजा कौन खोलेगा? मैं आज के समाज की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि घर पे पत्नी हो मेरे साथ में और मैं विश्राम की स्थिति में और उठ के मुझे दरवाजा खोलना पड़े, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो विष्णु भगवान तो हमेशा विश्राम की मुद्रा में रहते हैं, ऐसे में लक्ष्मी जी उस दरवाजा खटखटाने वाले को वहीं से विदा कर देते हैं कि भैया अभी प्रभु आराम कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए? ये चाहिए? अरे इतना चाहिए, तुम इतना नहीं इतना ले जाओ, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब मत करो। तो जो जो भगवान की तरफ आगे बढ़ता है, लक्ष्मी जी उसका मुंह बंद कर दिया करते हैं। बहुत कम भक्त ऐसे होते हैं जो इस चीज को समझ पाते हैं कि जब लक्ष्मी आ रही है ना, तो वो मुझे भगवान से दूर करने के लिए आ रही है, पर राखा बांका इस बात को जानते हैं। नामदेव जी से भगवान ने कहा, देखो मैं आज एक और इनकी सहायता करने की कोशिश करता हूं, इनको जंगल में लकड़ियां ढूंढने में उसमें समय जाता है, मैं दो अच्छे से बंडल इनके लिए बना के रख देता हूं, जिससे उन बंडल को ले जाके ये बेच देंगे और इनको रोज से अधिक कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। नामदेव जी को ये बात अच्छी लगी कि चलो ये सोना नहीं लेते हैं, जो इनका रूटीन है उसी में कुछ इनके फायदे का काम कर दिया जाए। अब भगवान ने राका बांका वन में पहुंचे, उससे पहले वहां की जितनी लकड़ियां थी उन सब लकड़ियों को एकत्रित किया और दो अच्छे से गट्ठर बना के रख दिए कि जिनको आराम से वो लोग ले जा सकें। अब राका बांका वहां पहुंचे, पूरे वन में उन्होंने घूम के देखा कि भाई आज तो कहीं लकड़ियां ही नहीं है, ये दो गट्ठर तो बने रखे हैं लेकिन भाई अब ये तो किसी ने बनाए हैं, उसकी अपनी मेहनत है, उसकी अपनी चीज है, और दूसरे की चीज पे तो नजर डालना, चाहे फिर वो सोना हो या लकड़ी हो, वो तो राका बांका के सिद्धांत के विरुद्ध था। तो दोनों ने कहा, देखो आज हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, हमने आज सोने के दर्शन भर कर लिए, इसलिए भगवान ने आज हमारा व्रत करवा दिया, आज जंगल में हमें लकड़ी भी नहीं मिली है। ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा, भाई गलती तो हम ही से हुई है कि हमने सोने के दर्शन किए हैं, और सोने के दर्शन करने का अगर ये प्रायश्चित है तो हमें ये प्रायश्चित मंजूर है। यानी ये दोनों भक्त ऐसे या इस प्रकार से आठम यथा लाभ संतोषा, ये आठवीं भक्ति है कि जो आपके पास है आप उसमें संतुष्ट रहें और अधिक प्राप्ति की कामना ना करें। राका बांका दोनों वापस आ गए, घर आए, अब आज तो कोई लकड़ी नहीं बिकी, मिली नहीं, लाए नहीं, तो आज उपवास, पानी पी के दोनों ने उपवास कर लिया। नामदेव जी उनके घर पे आए और उनसे कहा, अरे भैया ये जो कुछ हुआ है ये आपके लिए था, वो गट्ठर भी आपके लिए थे, वो सोना भी आपके लिए था। उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमें इन सब से दूर रखो, मुझे ये मोह माया, ये मुझे सांसारिक जंजाल, ये सुख सुविधाएं, ये कुछ हमें नहीं चाहिए, हमें तो बस दुखों में भक्ति करना अच्छा लगता है। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद वहां से हस्तिनापुर से विदा लेते हैं, बुआ पंक्ति वहां खड़ी हुई है, बुआ से कहते हैं, बुआ आपके पुत्रों का विजय हुआ है, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, आज मेरी इच्छा है कि आप कोई वरदान मांग लो।
बुआ ने कहा, गोविंद जो कुछ चाहिए था सब कुछ तो तुमने दिलवा दिया है, लेकिन फिर भी अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे वरदान में दुख चाहिए। बोले बुआ ऐसा कौन करता है? बोले नहीं गोविंद, जब जब मैं दुख में होती हूं तब तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, और जब मैं तुम्हारी याद करती हूं तब मुझे जो सुख और शांति मिलती है वो सुख इन महलों में नहीं है, वो सुख संपत्ति में नहीं है, वो सुख राज्य वैभव में नहीं है। इसलिए हे गोविंद, मुझे तो अगर वरदान दे रहे हो तो दुखों का वरदान दो। और कुंती ने जब गांधारी और धृतराष्ट्र ने वन के लिए प्रस्थान किया तो अपने पुत्रों के साथ राज्य में नहीं वन में ही चली गई कि भाई ये दोनों जो जेठ जेठानी मेरे हैं इनकी सेवा करना ये मेरा धर्म है। बड़ी कोशिश की भीम ने, बड़ी कोशिश की सभी पांडवों ने, लेकिन कुंती के निश्चय को कोई डिगा नहीं सका। सुनना है तो हमारे महाभारत की वीडियो सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। राका बाका ने नामदेव जी से कहा, गुरुदेव हमारे ऊपर बस ये कृपा बनाए रखो कि हमारे मन में कभी भी इस मोह माया के लिए कोई लालच ना हो और हम हमेशा प्रभु की भक्ति करते रहें। भैया इतना सादा जीवन जीने वाले ये राका बाका 100 वर्ष के आयुष्य तक इसी प्रकार से जिए और अंत में उन्हीं प्रभु के चरणों में समा गए। क्योंकि भक्त लोग मोक्ष की कामना नहीं करते हैं, भक्त लोग बार बार ये कहते हैं कि हे प्रभु हमें संसार में जन्म दो पर अपना भक्त बना के रखो। धन्यवाद मित्रों, कल से फिर हम हितोपदेश की कथाएं सुनेंगे, जो विषय चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे और प्रयास करेंगे कि हर शनि रवि या रवि सोम आपको भक्तमाल की कथाएं सुनाता रहूं। आनंद लीजिए, पुनः पुनः सबका धन्यवाद।